दूसरे कहते हैं भगतां की भाई ऐसी अटपटी बातें होती हैं, ये अपनी कोई ध्यान मगर है, आप अपना काम करो, स्नान करते रहो। कुछ देर में नानक साहब ने कहा कि मैं आपको जब मानूंगा मुझे तुम खोज देना। नानक साहब ने डुबकी लगाई दरिया में और सब ने देखा कि नानक साहब ने अचानक डुबकी लगा दी, कपड़े उतार रखे हैं। उधर से परमात्मा ने उनको निकाल लिया, अदृश्य कर दिया और कहीं और स्थान पर ले जाकर सारी वार्ता की और फिर सचखंड लेकर गए सतलोक में। उधर के लोगों ने, स्नान करने वालों ने सोच लिया कि नानक जी डूब का मर गए। गांव में भागे आए, राजा के यहाँ नौकरी करते थे, उनका बहनोई भी वहाँ राजा के यहाँ नौकरी करता था, उसकी अच्छी जान पहचान थी। तो राजा ने, नवाब ने गोताखोर भेज दिए, जाल लगवा दिया। वो जा रहे अप स्ट्रीम में, जाल वाले ढूंढ रहे डाउन स्ट्रीम में, नहीं पाए, मर्द समझ लिया। सचखंड दिखाया, फिर वापस भेज दिया और कहा मैं बनारस में काशी में धानक का काम करता हूँ। तो नानक जी कहिया बात जची नहीं कि परमात्मा और धानक का काम कैसे करता होगा। फिर भी परमात्मा के वचनों पर विश्वास करके वापस आते ही, वापस आए तीसरे दिन दिखाई दिए उसी किनारे पर, सब जगह खुशी की लहर होगी कि जीवित आगे, जीवित आगे। नौकरी त्याग दी, पहली उदासी, पहली यात्रा बनारस की। वहाँ खड्डी में बैठे देखे दुल्हे का काम करते हुए पूर्ण परमात्मा। तब नानक जी साहब ने कहा था, फाई सूरत मुलुक की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। गुरु ग्रंथ साहिब महला पहला पृष्ठ नंबर 24 पर शब्द नंबर 29 है, उसमें क्या लिखा है, एक स्वायन दो स्वानी, नाल भल के भौकाई सदा बियाल, कूड़ छुरा मुठा मुर्दार, धानक रूप रहा करतार। हमारे यहाँ पूरे पाकिस्तान तक जुलाहे को धानक बोलते हैं। मैं पथ की बिंदन करने की कार, ओ बिगड़ रूप रहा विकराल, तेरा एक नाम तारे संसार है, तेरा एक नाम तारे संसार है, मैं एहो आस एहो आधार, मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनात, काम क्रोध तन वसे चंडाल, ये धानक रूप रहा करता है। फाई सूरत मुलुक की वेश, ऊठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता भार, ये धानक रूप रहा करता है। मैं कीता न जाता हराम खोर, ऊ किया मुँह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, ये धानक रूप रहा करता है। गुरु ग्रंथ साहिब पृष्ठ नंबर 721 महला पहला, एक अर्च गुप्तम पेश तोदर, कून करतार हक्का कबीर, करीम तू बे ऐब परवरदिगार। सब लिखा है, एक अर्च गुप्तम पेश तोदर, कून करतार हक्का कबीर, करीम तू बे ऐब परवरदिगार। दुनिया मुकामे फानी तहकीक दिलदानी, मम सर मुई अजराइल गिरफत दिल ऐंच नदानी, जन पिसर पदर बिरादरां कसनेस दस्तमगीर, आखिर बेपतम कस नदारद चू सब तकबीर, सब रोज गस्तम दरवाहा करदेम बदी ख्याल, गाहे न नेकी कार करदम, मम ई नीची अवहाल, चीनी अहवाल, बद बखत हमचू बखील, गाफिल बे नजर बेबाक, नानक बगोयद जंतुरा तेरे चाकरा पा खाके। अब इसमें क्या बताया कि नानक साहेब जी जब वहाँ पहुँचे, सबसे पहले वो रामानंद जी के आश्रम में गए, क्योंकि कबीर साहब ने कहा था मेरा प्रथम गुरु रामानंद जी हैं, मैंने उनको गुरु धारण कर रखे हैं। परमात्मा ने वैसे गुरु की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये मर्यादा बनाए रखने के लिए कि परमात्मा पाने के लिए गुरु अवश्य हो, क्योंकि ये काल के दूत फिर
कह देते आजकल, जैसे आज दास ने सुबह बताया था कि इस राधा स्वामी पंथ के जो प्रवर्तक कहते हो शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था, जिस कारण से वो भूत बना, अपनी शिष्य बुक्की में बोलता था, हुक्का पीता था और फिर रोटियां खाता था उस बुक्की के माध्यम से, वो प्रेत बन गया। तो यदि परमेश्वर कबीर जी ने ये अपने गुरु की मर्यादा को ना एक फॉर्मेलिटी की होती, स्वामी रामानंद जी को अपना गुरु बनाया था, लेकिन ज्ञान गुरु रामानंद जी को परमात्मा ने ही दिया था। इसलिए कि आने वाले समय में ये काल के दूत, इनका दाव ना लग जाए कि कबीर जी ने कौन सा गुरु बनाया था, तुम परमात्मा कहते हो, और वो कह देते इसी प्रकार हमारे भी परम धनी, लेकिन तो परम धनी वाला सवाल खत्म हो गया, शिवदयाल जी का तो भूत बना हुआ है। तो इस करके नानक जी पहले रामानंद जी के आश्रम गए थे और वहाँ कबीर परमात्मा के ज्ञान से बहुत से परिचित भक्त जन उनको मिले, और यहाँ से वो चले थे, जैसे सुल्तानपुर से चले थे, बनारस में गए थे, रास्ते में जो भी कोई साधु संत कहीं मिल जाते उनसे चर्चा करते थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो कोई नहीं बता पाता था। जो ही रामानंद जी के आश्रम में गए, कुछ भक्त वहाँ मिले, उनसे चर्चा की, अगर ये चर्चा करूँगा ये प्रश्न उत्तर देंगे तो मैं मान जाऊँगा कि हाँ कोई वो आए हैं, प्रभु उनकी झलक है यहाँ पर। तो छोटे छोटे बच्चा ने भी और वहाँ बैठे थे उपस्थित आश्रम में सब ने एक मिनट में सुना दी सारी कहानी, श्रेष्ठ रचना कबीर जी ने सुना रखी थी। तो नानक साहब बड़े प्रभावित हुए, तब कहा कि मुझे उनसे मिला दो, क्योंकि रामानंद जी के आश्रम से कबीर जी का स्थान काफ़ी दूर था, तो वहाँ से दो भक्त भेज दिया उनके साथ कि जाओ कबीर जी से मिलाओ। कबीर जी के परमेश्वर के पास आए, वो तो एक धानक का काम कर रहे थे, जुलाहे का बैठे थे खड्डी में, लीला कर रहे थे। वो ये दिखाना चाहते थे कि मेरे की तरह गरीब और एक नेक व्यक्ति रहकर अपना गुजारा करते रहना, भक्ति भी करते रहना, और जुलाहे से कठिन काम नहीं होता, एक एक तार पूर के और एक जितना लंबा कपड़ा बनना होता बहुत समय लगता है, और फिर भी भक्ति की जा सकती है, गरीब व्यक्ति भी परमात्मा पा सकता, जैसे परमात्मा ने लीला करके दिखाई, हमारे लिए उदाहरण दिया। जब नानक साहब वहां गए तब कहता, फाई सूरत मुल्क की वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा बोता भारी, धानक रूप रहा करता रहे। ये वही सो सतलोक में मैंने देखा था, वही परमात्मा है। ये कहते ये ए ठगवाड़ा ठगी देश, ये छुपाए बैठा अपने आप को ठग है, ये भगवान है, आंखों में पानी भर के उस पुण्यात्मा ने वहां डंडोरा पीट दिया। और फिर कहा, एक अरज गुप्तम पेश तो दर कौन करता, हक्का कबीर करीम तू बे अप्रवर्दिगार, के प्रभु आपके चरणों में ये शब्द स्वरूपी राम कौन करता, माने शब्द स्वरूपी राम तू ही है, हक्का कबीर सत कबीर और तू बे ऐब परवरदिगार निर्विकार परमात्मा, तेरे चाकरा पा खा के। नानक जी कहते, मैं तो आपके इन शिष्यों के भी पैरों की धूल हूं, क्योंकि जो ज्ञान इनको है मुझे नहीं आज तक। और उसके बाद नानक साहिब जी को परमात्मा ने उपदेश दिया और बहुत देर तक डिटेल से बात हुई कि बच्चा इस ज्ञान को डिस्क्लोज नहीं करना, इस नाम को भी अभी किसी को नहीं बताना, काल का दाव लग जाएगा। अब सचखंड में देखने के बाद, सारी सृष्टि रचना से परिचित होने के बाद, नानक जी परमात्मा के बताए हुए प्रत्येक पद चिन्ह पर चले और प्रत्येक आज्ञा का पालन किया। इसी प्रकार आपको दिन में बताया था कि धर्मदास तो लाख दुहाई, ये सार नाम की तबार न जाई, सार शब्द बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी, आप बिचली पीढ़ी में आगे हो। अब ये काल के दूत ये नकली नाम दे रहे हैं, ये काल प्रेरित हैं, काल का और परमात्मा का एक संवाद हुआ था, तब काल ने कहा था तुम्हारे जो कोई संत आवेगा उससे पहले मैं नकली संत भेजकर और सतलोक सचखंड की महिमा इतनी करवा दूंगा झूठे गुरुओं से, वो नकली जो है ना नाम देंगे और महिमा तेरी गाऊंगे सचखंड और सतलोक की। जो उनके पास नाम सही नहीं होगा वो गलत नाम देंगे और महिमा सतलोक और सतपुरुष की कहेंगे, वो मेरे ही जाल में फंसे रह जाएंगे। काल ने कहा था कि जब तेरा संत जाएगा पीछे से तब कोई नहीं सुनेगा तेरे उस संत की, तो परमेश्वर ने कहा था ये मेरा काम है। मालिक को पता था कि इसके नकली दूत जो झूठे ये ज्ञान को प्रचार कर चुके होंगे,
और फिर हम जाकर के अपने दास को भेजेंगे और फिर वो सत्य ज्ञान प्रचार करेगा, सबकी पोल खुल जाएगी और वो पुण्यात्मा बच्चे मुझे पहचान लेंगे, हमारे ज्ञान से हमें पहचान लेंगे। यदि ये ज्ञान पहले डिस्क्लोज हो जाता, ये नकली दूत भी यही ज्ञान यही नाम देते पाते। आज आपको परमात्मा की पहचान नहीं होती और आप काल के जाल में फंसे रह जाते हैं। अपुणात्मा, हम जो प्रसंग कर रहे हैं कि हमने परमात्मा को पहचानना है, और जब हमारे हृदय में ये पहचान हो जाएगी सचमुच कबीर इज गॉड, फिर नो प्रॉब्लम, फिर तो कोई समस्या नहीं रहेगी, फिर तो परमात्मा मोक्ष हुआ पड़ा है कति, बहुत ही आसान। पुण्यात्मा, ये हठ योग करके ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे बैठो, ये 80-80 हजार वर्ष बैठ के चले गए, उन्हें कुछ भी ना हासिल हुआ, और ये ढाई घंटे सुबह ढाई घंटे बैठ के इरादा स्वामी धन धन सतगुरु वाले लिए जय गुरुदेव वाले, ये कहाँ ले जाएंगे पुण्यात्माओं को? झूठा ज्ञान। और ये समाधि कहाँ लगावे, ध्यान कहाँ लाओगे? न सतनाम का बेरा, ना सचखंड का बेरा, वो सतनाम, वो स्वर शब्द, वो सत शब्द, वो सतपुरुष, और वो सतान, और वो सतनाम। परमात्मा कहते झूठा ज्ञान है। और बात करें बिना ऊपर लियो मंजिल पे, मंजिल का एक कभी ना बेरा, सतनाम ने ये सथान बतावे, अकल कहाँ गई इनकी। तो परमात्मा कहते हैं, अब परमात्मा को पहचानना है, अपनी पहचान आप कराने आए थे, जो लीला मालिक ने की है वो वेद गवाही दे रहे हैं कि वो परमात्मा सचखंड से चलकर आता है, अपनी प्यारी अच्छी आत्माओं श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, फिर उनको ज्ञान से परिपूर्ण करता है। अब दिखाते हैं आपको वेदों में ये प्रमाण। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27 में ये देखिएगा, ऋग्वेद ये 9-10 इकट्ठे ही जल्द है। प्रकाशक हैं सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली से। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26। ये और भी बहुत मंत्र दास में लिखे हुए हैं, इनमें सब में प्रमाण है, लेकिन हम मोटा मोटा लेंगे 26। इसमें अनुवाद है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ करता है, और उनको पवित्र करता हुआ, और अपने रूप को सरल करता हुआ, वह कांति में परमात्मा इन्होंने कबीर, ये देखो यहाँ कबीर शब्द लिखा, कबीर अतः इन्होंने अपसर्ग लगा के कबीर ही कर दिया कबीर। हम इसको भी जैसे पुनः कहो चाहे पुनर कहो, तो ये कबीर का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, ये अर्थ नहीं करना था। विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुषों को प्राप्त होता है, वर्णीय पुरुष को यानी श्रेष्ठ आत्मा को, अच्छी आत्मा को मिलता है। अब आपको पहले ये कबीर शब्द क्लियर करते हैं। अब आपको ये कवि लिखो तो भी कबीर देव, हम कहते हैं कबीर साहब, देव माने परमेश्वर, कबीर माने कबीर, हम कबीर देव को कबीर परमेश्वर कहने लगे, कबीर साहब। सिर्फ हम वह को वह बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, वेदों को हम वेद बोलते हैं, तो ऐसे सिर्फ लैंग्वेज का बोलने का अंतर है। ये देखिएगा, जैसे यजुर्वेद है, ये यजुर्वेद है, और इसमें यहाँ दो अपसर्ग लगा दिए रह हटाकर तो भी यजुर्वेद है। अब और इसको क्लियर करते हैं, ये कहाँ से प्रकाशित है? प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, दयानंद भवन, 3/5 आसफ अली रोड, निकट रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। मुद्रक है सक्सेना आर्ट्स प्रिंटर्स, 26 DSI DC सेड ओखला फेस 1, नई दिल्ली, दूरभाषा से। अब इसमें दिखाते हैं आपको 63 अध्याय 36वां अध्याय है, इसका प्रथम मंत्र में रचम वाचम प्रपधे मनो यजु। अब ये जैसे इन्होंने कवि कर रखा है ऐसा कर दिया, यजुहु कर दिया इन्होंने। अब इस ये समूल संस्कृत में इसका जब अनुवाद किया जाएगा तो जिसको ज्ञान है वो